गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम मोनिका और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 100% एक्सपेरिमेंटेड DIY हेयर एक्सेसरी हैक। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें एक घंटे पहले पता चलता है कि हमें कहीं जाना है, अर्जेंट होता है और कुछ ट्रेडिशनल ही पहनना होता है, जैसे साड़ी हो गया, सूट हो गया, हेयर बन बनाना होता है, कुछ इस तरह का हमें अपने आप को रेडी करना होता है, बट वी डोंट हैव हेयर एक्सेसरी एट द मोमेंट, या फिर होती भी है बट जब चाहिए होता है तब हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये अक्सर हमें लेडीज़ के साथ हो जाता है। सो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, मतलब पहनना भी है और वो हमारे पास अभी अवेलेबल भी नहीं है। एक घंटे का टाइम है क्योंकि, तो हम कुछ जुगाड़ जरूर कर सकते हैं। और जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मार्केट जाना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, फिर आप उसे कुछ बना पाएंगे। दिस इज जस्ट फ्रॉम योर वेस्ट मटीरियल या कुछ भी आपके पास रखा हुआ है उससे आप बना सकते हैं। तो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि ऐसा क्या मैं बताने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि कैसे हम DIY गजराज बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, जैसे हमारे पास इस तरह के बहुत सारे कार्ड्स रखे रहते हैं, वेडिंग कार्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आ जाते हैं। जैसे इसका कलर तो बहुत ही प्यारा है, ये रेड कलर है, इसमें डिजाइन भी प्रिंट है, एंड कुछ इस तरह के व्हाइट कार्ड्स मिल जाते हैं। तो इनका आप काफ़ी अच्छे से रियूज़ कर सकते हैं। हम नॉर्मली इसको थ्रो डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। सो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैंने इससे क्या बनाया है। सी, आई हैव क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल गजरा फ्रॉम दिस वेस्ट मटीरियल, जो कि इन्हीं दोनों एनवेलप्स सॉरी वेडिंग कार्ड से मैंने बनाया है। साइड में मैंने आपको मेकिंग भी दिखाई हुई है कि कैसे बनाया हुआ है मैंने। तो इसको बस कुछ नहीं करना होता है, आप फोल्ड कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है वेडिंग कार्ड्स का। तो आप पतले पतले स्ट्राइप्स उसकी कट करके और लीफ पैटर्न में उसको आप कट कर लीजिए। जैसे काफ़ी सारी इकट्ठा ढेर सारी, मतलब मैंने तो एक बाउल भर गई थी मेरी, तो इतनी सारी मैंने कर ली थी कट करके। रेड हो गया, पिंक हो गया, अगर आप मल्टी कलर का बनाना चाहते हैं तो मल्टी कलर की लीव्स पैटर्न आप कट कर लीजिए। एंड बस हमें सुई में पिरोते जाना है, नॉर्मली जैसे माला बनाते हैं, गजरा बनाते हैं, और बस उस तरह से आपको कर लेना है। सो दिस इज लाइक वेरी क्विक, मतलब अगर आप किसी को बताओगे नहीं ना कि मैंने इससे बनाया तो नोबडी इज गोइंग टू डायग्नोस कि ये आपने शादी के कार्ड से बनाया है। और जब टाइप हो जाता है पीछे बन में लग जाता है तो किसी को इतना पता नहीं चलता है कि किससे बना हुआ है। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं। सो आई टेल यू, इसको थोड़ा सा जब बना लेते हैं तो थोड़ा सा हल्के हल्के गैप पे इस तरह से गैप दे लो इसको, ताकि थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा पास में। इस तरह से दोनों जगह गठान लगा लेंगे हम, ओके, और इस तरह से मैं इसको टाई कर लूँगी। सो ये हो गया है एंड दिस इज डन। तो अगर आपके पास इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कार्ड्स हैं, जैसे येल्लो हो गया, ब्लू हो गया, तो ब्लू एंड वाइट का आप बना सकते हैं, और ट्यूलिप के जो फ्लावर्स आते हैं ना उस तरह का बिल्कुल रिजेम्बलेंस आएगा, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब बात करूंगी मैं नेक्स्ट गजरे की। नेक्स्ट गजरा मैंने बनाया था दिस पिंक वन। सी वाओ, मतलब अच्छा लग रहा है ना, अमेजिंग लग रहा है ना। अब इसको मैंने कैसे बनाया था, दिस इज़ वेरी वेरी इजी टू मेक, और नोबडी इज़ गोइंग टू से कि आपने इसको एक सिंपल से कुछ इस तरह के पेपर से बनाया है। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, कैसे बनाते हैं, मैंने आपको मेकिंग साइड में चल रही होगी तो आप देख सकते हैं। इसी पेपर की मैंने कट कर ली थी पतली पतली स्ट्राइप, डिपेंड करता है कि आपको कितना ब्रॉड चाहिए, कितना चौड़ा आपको चाहिए है गजरा। और उसके बाद फोल्ड कर लीजिए इसको, आप 3-4 फोल्ड्स बना लीजिए, मतलब क्योंकि आसान होगा काटना। फिर आप इसको दोनों जो साइड्स होते हैं उसको आप हल्के हल्के कट्स लगा लीजिए इस तरह से, साइड भी और दोनों साइड्स आपको कट कर लेना। बीच में हल्का सा आपको बस गैप रहने देना है क्योंकि हमें उसमें से सुई पिरोनी होगी। और सारे मैंने कट कर लिए, इसको आप धीरे धीरे ओपन करिए, क्योंकि आप ज़्यादा तेज़ी से करेंगे ना, पतला बहुत पेपर ये पतला होता है। एंड या मेक श्योर इसके लिए पतला पेपर ही लीजिए, ये कार्ड से नहीं बनने वाला है। बच्चों के ड्राइंग पेपर्स आते हैं उस तरह की शीट, A4 शीट आप ले सकते हैं, या फिर ये पतला वाला ले लीजिए। उसके बाद हमें सुई धागा लेना है और बीच में से इसको इंसर्ट करके इस तरह से पिरोते जाना है, बहुत ईजी होता है। अब सुई में आएगा ना ये, तो उसको आप अच्छे से घुमा लीजिए थोड़ा सा। ये हमें घुमाना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये रोलिंग आ जाएगी, और क्योंकि हम पिरो रहे हैं सुई में तो वो इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको हम थोड़ा सा घुमाने से, ट्विस्ट करने से ये राउंड हो जाता है, शेप अच्छा लगता है, मतलब वो घना घना दिखाई देता है, ऐसा आई फील। नाउ इसको इतना इजी होता है ना लगाना, बस आप इसको ऐसे करके अटैच कर लो, एंड और नीचे थोड़ा सा यू पिन से आप सेट कर सकते हो। और ये बचपन में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, मतलब नवदुर्गे की जो पूजा होती है ना तो उसमें मैं बहुत डांस किया करती थी, तो उसमें मैंने यूज़ किया है हेयर एक्सेसरीज। तो आप इसको इस तरह से हैंड्स में भी पहन सकते हैं। दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। जरूर दो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेपर्स आप ले आइए, 5-10 रुपए में बहुत सारे पेपर्स आ जाएंगे, ऑफिस से कट करके आप बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक और पतला वाला बनाया था, ये है तरह से थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए ताकि वो अच्छा लगे देखने में।
अपना, ठीक है, इसको आप यहाँ पे मतलब हेयर्स ओपन कर लो एंड एज अ हेयर बैंड बिल्कुल ये लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये मैंने थोड़ा सा पतला बनाया था, थोड़ा सा पतली स्ट्राइप कट करके, और ये थोड़ा सा ब्रॉड बनाया था। सी ऑलराइट, सो दिस वाज माय अनदर गजरा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट बता दी हूँ मैम आपको, तो ये मैंने बनाया है इस पॉलीबैग से। या आई एम नॉट लाइंग, सीरियसली आप देखो स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा कि मैंने इसी का यूज़ किया। ये ऑलरेडी देखिए कट चुकी है, सो इसको मैंने यूज़ किया था, और ये भी उसी की तरह है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस डिफरेंस ये है कि इसको मैंने कट नहीं किया था, जो हमने लीव्स जो हमने पतले पतले स्ट्राइप्स काटी थी ना, तो मैंने उसमें कट्स लगाए थे दोनों साइड, इसको मैंने कट्स नहीं लगाए थे। ये नॉर्मली मैंने सुई में पिरो के और फिर उसको ट्विस्ट कर दिया था। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसके बाद मैं शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पर रील्स भी अपलोड कर दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल रीस्टाइल मी देसी है। काफ़ी ज़्यादा सारे यूज़ के वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो अगर आप भी साड़ी से कुछ ड्रेसेस पहनते हैं तो आइडियाज़ के लिए चेकआउट कर सकते हैं। आई एम श्योर नोबडी इज़ गोइंग टू डायग्नोज कि आपने यू नो किसी भी वेस्ट एक पॉली बैग से बनाया है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने बन को किस तरह से सजाना है। तो इस तरह से मैंने DIY किए थे अपने कुछ वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके। एक पेपर से बनाया था, एक वेडिंग कार्ड से बनाया था, और एक मैंने पॉली बैग से बनाया था। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं। इस तरह के और भी सारे DIY आइडियाज़ देखने के लिए, रिव्यूज आइडियाज़ देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल रीस्टाइल में देसी, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।